जुलाई दिन है आज संडे, और मैं अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 8:45 बजे से। मैंने कहा चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। काम मेरा जो है वो सारा फिनिश हो चुका है, ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो चुका है। सबसे पहले मैं उठी, मैं फ्रेश हुई, उसके बाद मैं पूरा आंगन धोया। आप लोगों को पता है 2-3 दिन से काम चल रहा है मेरी छत पे, तो जितना भी रिपेयरिंग का काम था या जितना भी कंस्ट्रक्शन का जो भी काम हो रहा था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब जो काम है वो काम बचा है वाइट वॉश का, या फिर छोटी मोटी जो दरारें होती हैं वो भरने का, तो वो काम जो है वो चल रहा है और अभी भी चल रहा है। सुबह से स्टार्ट हो गया क्योंकि जो डेली वेज पे लोग काम करते हैं वो सुबह 8 बजे से काम करते हैं और शाम के 5-6 बजे से तक काम करते हैं। फिर अपनी जो उनकी दिहाड़ी होती है, जो उनकी डेली वेज की जो पेमेंट होती है वो ले लेते हैं, तो सुबह से काम स्टार्ट कर देते हैं। तो वो काम हो रहा है छत पे, नीचे का कोई काम अब नहीं रह गया, तो नीचे का बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और क्लीनिंग भी अलग से वही लोग करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा मोटा कूड़ा होता है, पत्थर, सीमेंट वाले पत्थर जो टूटती हैं दीवारें वो सब, तो वो भी वही लोग सफाई करेंगे, सफाई वाला काम अलग से होगा। और छत की ऑलमोस्ट सफाई, कुछ मोटा मोटा कूड़ा जो था वो करके चले गए थे, बाकी की जो झाड़ू वगैरह जो भी कुछ था वो कशिश ने किया था, बाकी सारा सामान पहले से ही हो चुका था। तो ये थोड़ा सा और आज का काम और निपट जाए तो फिर उसके बाद मैं अच्छे से जो छत है वो धुलवाऊँगी तो फिर सही हो जाएगा। और बस इस जिस पर्पज़ से जो काम हो करना था वो हो चुका है। और मौसम जो है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कभी धूप कभी छाव, लेकिन अधिकतर क्या है अधिकतर छाव है और हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है और उन लोगों के लिए भी जो भोले बाबा के भक्त हैं कांवड़ जो लेकर गए हैं उनके लिए तो बेस्ट है ये मौसम, क्योंकि धूप में नंगे पैर चलते हैं कुछ लोग, पैदल चलते हैं लोग, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ऐसे ही मौसम रहे 30 तारीख तक उनके लिए तो रहे, कम से कम हमारे लिए रहे या ना रहे लेकिन उन लोगों के लिए तो रहे। 30 तारीख का जल्द है तो बस आज का दिन और कल का दिन जो है वो भोले बाबा के भक्तों के लिए अच्छा रहे, ठीक है ना। और मैं बात करती हूँ आप लोगों से आगे की बात, तो आगे की बात मैं आपको बताती हूँ। YT के जो रूल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, यूँ कह सकते हो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। देखो ज़बरदस्ती कोई किसी से नहीं करता है, बट कभी कभी ना लोग चीटिंग जो कर जाते हैं तो वो हर्ट हो जाती है। मुझे लगता है कि लोग दिल से अटैच हैं या फिर प्यार करते हैं हमको, तो बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है ना मेरी वीडियो का, आपको मैं बता दूं सिर्फ 2 मिनट्स का है, 2 मिनट्स कुछ सेकंड्स का है, तो इतनी मेरी वीडियो को लोग वॉच करते हैं जो फुल वॉच करते हैं। तो उसमें मैं हो गई, मैं खुद ही अपनी वीडियो को फुल वॉच कर लेती हूँ, दीयू के फ़ोन से देख लेती हूँ, मेरी मम्मी देखती हैं और मेरे जो 2-3 बच्चे हैं वो लोग देख लेते हैं, तो इसका मतलब कोई वीडियो फुल वॉच नहीं करता है, क्योंकि पता है व्यूज़ देखो 168 इतने सारे व्यूज़ होते हैं। और फिर 2-2 मिनट अगर हमारी वीडियो को 10 लोग, हमारी 10 मिनट की वीडियो है 10 लोग भी देखते हैं तो क्या होता है बताओ, 100 मिनट्स तो कहीं नहीं गए, बट इतने लोगों को देखने के बाद भी 400 मिनट, मतलब अगर हमारी वीडियो को 100 लोग देख रहे हैं तो कितने मिनट्स होने चाहिए, 1000 मिनट होने चाहिए ना, बट नहीं होते क्योंकि कोई भी वीडियो फुल वॉच ही नहीं करता है। 400-500 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं और व्यू एवरेज व्यू ड्यूरेशन ही मेरा जो है वो 2 मिनट्स कुछ का है। तो यार प्लीज़ ऐसे मत बोलो कि आप मुझको सपोर्ट करते हो, ठीक है, आप ऐसे बोलो हम आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, आप ऐसा मत बोलो कि हम आपके साथ हैं हम आपको सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर हैं मेरे संग जो जुड़े हुए हैं, लिविंग टुडे व्लॉग्स हो गए, असामिस मंगुनुनी व्लॉग्स हो गई और 2-3 और हैं, मैं उन लोगों को फुल वॉच करती हूँ, फुल वॉच करती हूँ, लेकिन कोई मुझसे ऐसा मत बोलो कि हम भी आपको फुल देखते हैं। पता मुझे समझ में नहीं आता था, मैं सजेशन मांगती थी लोगों से कि बताओ आप लोगों को मेरा और जो ड्रेसेस का कलेक्शन है वो भी आपको देखना है या नहीं देखना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, बट कोई कमेंट करके बताता नहीं है। कल भी मैंने
गेटअप चैलेंज में पूछा कि सबसे कि बताओ गेस करो कि कौन सा सॉन्ग है, बट किसी ने 2 मिनट से ज़्यादा देखी होगी तो गेस करेंगे ना वो लोग कि कौन सा सॉन्ग था कैसा था। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी हर्ट कर गई, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है, बैक सपोर्ट कोई करने को तैयार ही नहीं है। बहुत हर्ट होती हूँ मैं इस चीज़ को लेके। मेरी फ्रेंड्स हो गई, मेरे रिलेटिव्स हो गए, सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बट 4, 5, 10, 15 लोगों से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया, मैं किसी का भी ब्लॉग नहीं देखूंगी, बस मैं अपने ब्लॉग पे ध्यान लगाऊंगी, किसी का भी ब्लॉग मैं नहीं देखने वाली, बिल्कुल भी नहीं देखने वाली हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं देखने वाली। तो चलिए चलती हूँ आगे, देखते हैं आगे क्या क्या काम है क्या नहीं काम है। बस मुझे इतना ही बोलना था, पता है YT के रूल्स जो हैं दिन पर दिन अच्छे होते जाते हैं, इम्प्रूव होते जा रहे हैं, और YT का जो स्टूडियो है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है, पहले पूरे एक दिन बाद, मतलब एक दिन बाद या फिर दोपहर के 2:30 बजे जो होता है ना, हमको पता चलता है कि हमारे हमको कितने मिनट्स देखा गया। तो अब ऐसा नहीं है, अब 2 घंटे बाद, पता नहीं 2.5 घंटे बाद देखने हमें पता चल जाता है हमारी वीडियो को कितना वॉच करा गया है, और एवरेज भी दिखाता है कि टॉप 10 वीडियो जो दिखाते हैं कि इतने मिनट में इतने व्यूज़, कंपैरिजन भी होता है, और व्यू ड्यूरेशन का तो इसमें आने ही लगा है। तो मेरा तो बहुत कम है, कोई बात नहीं, आप लोग अगर ऐसी ही अपनी वीडियो वॉच करवा रहे हो तो बहुत अच्छा लगा मुझको, बट मैं नहीं करूँगी आगे से किसी की भी वॉच, बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तो पता है मैं अगर इस पे यूट्यूब पे अगर मैं खुद ही बताती हूँ कि मेरी वीडियो बोरिंग है या कुछ भी है, जैसी भी है जो भी है, बट कम से कम सीरियस भी यार बताओ तो सही, कि मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छा लगे तो लाइक कर देना, हमेशा बोलती हूँ पसंद ना आए तो बता देना, बट यार आप लोग जेन्युइन नहीं बोलते ना, दुख होता है यार, बहुत दुख होता है। अब मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, अब मेरा यूट्यूब पे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। अब मैं आपको बहुत लो, फिर मैं कह रही हूँ ना 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, बट फिर भी मैं वीडियो डाल रही थी, और रिस्पॉन्स जो था वो इतना अच्छा नहीं था जितना मिलना चाहिए था, और इतने सारे लोग वॉच कर रहे हैं उसके बावजूद भी 2 मिनट्स 2 मिनट्स 2 मिनट्स, यार ऐसे कैसे हो सकता है ना। चलो कोई बात नहीं, होता है, ऐसा तो होना ही है, यूट्यूब है ये, यूट्यूब पे तो ऐसा होता ही है, लोग वहीं पर जाते हैं जहाँ पे बहुत अच्छा जो तमाशा चल रहा होता है ना, वो लोगों को पसंद आता है। वुमेन्स कार्ड मैं नहीं खेल सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि वुमेन्स कार्ड खेलूँ, मैं सिंपैथी गेन नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं जैसी हूँ जो भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ, मैं सिंपैथी गेन नहीं करूँगी, और मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, आप लोगों को पता है मैं कर सकती हूँ, मेरे पास वैलिड पॉइंट है अपने लिए, अपनी बेटी के लिए मेरे पास वैलिड पॉइंट है, बट मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे करना भी नहीं है। लोग जितना प्यार करते हैं ना मुझको, बहुत है, जो जेन्युइन लोग हैं ना जितना प्यार करते हैं बहुत है, चाहे वो 10-15 ही क्यों ना हो, बहुत है मेरे लिए। तो चलो मैं चलती हूँ, मैंने ब्लॉग भी इसलिए नहीं बनाया, मेहनत करो, कैमरा सेट करो, किचन में लगाओ, यहाँ पे लगाओ, ऐसे करो, काम बीच में छोड़ छोड़ के स्टॉप करो वीडियो, और रिलीज़ करो वीडियो, और फिर अपलोड करो, अपलोड के लिए अगर नेट नहीं चल रहा तो छत पे जाओ, धूप में बैठे रहो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग नहीं समझोगे, आप लोग सोचते हो कि मसाला होना चाहिए, मज़ा नहीं आया आज, ऐसा वैसा जो भी है, कोई बात नहीं, आप लोगों की चॉइस है, आप लोग ऑडियंस हो, आप लोग मेरे व्यूवर हो, तो चलिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल, पता नहीं मिलती भी हूँ या नहीं मिलती हूँ, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, आप लोग अपना तो ध्यान रख लेना जेन्युइन तरीके से यार, ठीक है, बाय बाय।